मुंगेर गोलीकांड की जांच करते करते डीआईजी मनु महाराज ने कुछ बड़ा कदम उठाया। इस दौरान डीआईजी मनु महाराज ने मुंगेर के अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, इस घटना के दौरान जो लोग पर लाठी चार्ज हुआ था और जिनको गोली लगी थी, उनसे भी बातचीत की गई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्वागत है आपका अपना मुंगेर का। यह चैनल आपके लिए हर बड़ी खबर को यहाँ पर लाता रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी में मारे गए अनुराग पोद्दार के साथ साथ ऐसे कई लोग हैं जिन्हें काफी गंभीर चोट आई थी। इस दौरान डीआईजी मनु महाराज उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे एवं उन्होंने मृतक के परिजन से मुलाकात करके न सिर्फ घटना के बारे में जानकारी हासिल की, बल्कि मुंगेर पुलिस द्वारा घटना के बाद में अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी परिजनों से जानकारी ली। उन्होंने परिजन को आश्वासन दिया कि इस घटना पर जो भी जिम्मेदार दोषी पुलिसकर्मी होंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा दिलाने का काम हमारा होगा। डीआईजी मृतक के घर पहुंचकर उसके पिता एवं माता एवं बहनों से भी मुलाकात की और इस दौरान पुलिस या कार्रवाई करने की जानकारी भी दी। डीआईजी मनु महाराज ने कहा कि घटना की निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। इसके साथ ही एसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है, जिसे कुछ दिनों में इस घटना पर हुई सारी रिपोर्ट सामने आएगी। वे लगातार खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज इस घटना को लेकर के कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही उन दोषी पुलिसकर्मी को आजाद कर देगा और अनुराग पोद्दार की मौत के बाद उन्हें इंसाफ मिलने में दिक्कत होगी। जबकि पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और मुंगेर पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर सख्त है, इसलिए मुंगेर पुलिस का पर भरोसा रखें। ये सब बातें मनु महाराज ने मुलाकात में कही। इस कांड में जो भी दोषी होगी या होगा, उनको सजा दिलाया जाएगा और उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील किया कि कानून अपना काम कर रही है और आप लोग धैर्य रखें और मुंगेर में शांति बनाए रखें। इस दौरान हमारा चैनल भी आपसे विनती करता है कि जो लोग दोषी हैं, उन्हें कानून की ओर से सजा मिलेगी। इसके लिए आप उत्पाद ना मचाएं और ना ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। तो यह था आज का अपडेट। नए अपडेट की हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।